So hello guys, welcome. So this is Acode here, back with another Call of Duty Mobile video. So in this video we are gonna look at every single leak from season 11. तो आज की वीडियो सीजन 11 के बारे में होने वाली है. तो इस वीडियो में हम सीजन 11 की लीक्स देखने वाले हैं. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कोई भी लीक कंफर्म नहीं है, बिकॉज सीजन 11 का बीटा सर्वर नहीं आने वाला है. बिकॉज सीजन 11 सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का, क्योंकि उनकी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है सीज़न 11 में. जो लीक मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सीज़न 11 में आ भी सकता है और सीज़न 11 में नहीं भी आ सकता है. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. सो गाइस, पहली अपडेट है कॉल ऑफ ड्यूटी के बैटल रॉयल मैप आइसोलेट के बारे में. तो इस सीज़न 11 में आपको सीज़न फर्स्ट जैसा बैटल रॉयल मैप देखने के लिए मिल सकता है. कि सीज़न फर्स्ट में आपको बस स्टेशन में स्नो नहीं देखने को मिलती थी, और न्यूक्लियर प्लांट में भी स्नो नहीं थी, और कई जगह स्नो नहीं थी. तो वो आपको देखने वो रिमूव कर दी जाएगी सीज़न 11 में. तो ये इमेज लीक हुई है, तो इमेज आपकी स्क्रीन पर ये है. तो आपने इमेज देख ही ली होगी. तो मुझे लगता है कि सीज़न 11 में वो सीज़न फर्स्ट का कॉन्सेप्ट वापस लाने वाले हैं. तो चलते हैं नेक्स्ट बैटल रॉयल अपडेट की तरफ, जो कि है बाइंग स्टेशन के बारे में. तो रेडिट पे किसी बंदे ने ये पोस्ट किया था, तो इमेज आपके स्क्रीन पे ये है. तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट इमेज है, तो आपको फ्यूचर में बाइंग स्टेशन देखने के लिए मिल सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में. तो ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ये कन्फर्म इमेज कन्फर्म नहीं है. तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ. सो गाइज, नेक्स्ट अपडेट है नाइट मोड के बारे में. तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आपको फ्यूचर में या सीजन 11 में नाइट मोड देखने के लिए मिल सकता है, मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल दोनों में ही. तो रेडिट पे किसी बंदे ने ये पोस्ट पूछा था, तो इस पोस्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा. तो जैसा कि आप इस पोस्ट में देख सकते हैं, ऑफिशियल कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने रिप्लाई में लिखा था यस. तो इसका मतलब है कि नाइट मोड कन्फर्म है, जैसा कि सीजन फर्स्ट में स्टैंड ऑफ में देखने के लिए मिलता था. तो हो सकता है आपको फ्यूचर में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में नाइट मोड देखने के लिए मिले, बीआर मल्टीप्लेयर में दोनों में ही. सो गाइज, ये कुछ इमेज हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं. सो इन इमेज में आप देख सकते हैं कि नाइट मोड आ सकता है, तो ऐसा दिखेगा. तो आपको पता ही होगा सीजन फर्स्ट में नाइट मोड था, स्टैंड ऑफ में हेलोवीन थीम्ड. तो नाइट मोड बैटल रॉयल में कभी नहीं आया अभी तक, लेकिन आपको फ्यूचर में बैटल रॉयल में नाइट मोड देखने के लिए मिल सकता है. तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत हाइप हूँ. तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ. सो गाइज, नेक्स्ट अपडेट पे जाने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना. तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि रिलेटेड है न्यू गन से. तो आपको पता ही होगा कि हर सीज़न में हमें नई गन देखने के लिए मिलती है, तो सीज़न 11 में भी एक नई गन देखने के लिए मिल सकती है. तो एक गन लीक हुई है जिसका नाम है ड्रेड्स 48. तो उसका गेम प्ले आप स्क्रीन पे ये है. तो बेसिकली एक LMG है जो काफ़ी सिमिलर है M249 जैसी, बट ये डिफरेंट हो सकती है. और काफ़ी न्यू गन्स और भी लीक हुई हैं जिसकी इमेज ये है. तो इसमें आपको बैरेट 50 भी देखने के लिए मिल रही है, जो मॉडर्न वॉरफेयर 2 या 3 में थी, आई गेस, मुझे रिमेम्बर नहीं है इतना. अब बात कर लेते हैं न्यू ऑपरेटर की. तो न्यू ऑपरेटर जो लीक हुआ है वो है ट्रैकर. तो ट्रैकर बेसिकली एक अनाइलेटर पिस्टल जैसा है, लेकिन अनाइलेटर एक पिस्टल है और ट्रैकर में एक असल राइफल ऑपरेटर है. तो ये काफ़ी सिमिलर है अनाइलेटर जैसा. इसका गेम प्ले आप स्क्रीन पे ही है.
सो गाइज आपने ट्रैकर ऑपरेटर का गेम प्ले देख लिया होगा, गेम प्ले की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसके लिए आई एम सॉरी, बट ट्रैकर काफ़ी अच्छा ऑपरेटर दिख रहा है क्योंकि अनाइलेटर पिस्टल भी काफ़ी अच्छा ऑपरेटर है अभी तो। अगर ये असल राइफल हुई और इस अनाइलेटर पिस्टल जैसी हुई तो ये काफ़ी अच्छा ऑपरेटर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि है गन स्मिथ से जुड़ी हुई। तो आपको पता ही होगा कि सीजन 10 में हमें नए स्कोप्स और थर्मल स्कोप देखने के लिए मिलने वाले थे और काफ़ी नए अटैचमेंट भी आने वाले थे गन्स के लिए, बट वो रिलीज़ नहीं हुए। और किसी ने रेडिट पे पूछा था तो कॉल ऑफ ड्यूटी वालों ने ऑफिशियली रिप्लाई दिया था उसको और कहा था कि ये आपको गन स्मिथ 2.0 के अपडेट में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि सीज़न 11 में आपको गन स्मिथ 2.0 की अपडेट देखने के लिए मिले, इसमें आपको थर्मल स्कोप भी देखने के लिए मिल सकते हैं बाकी गनों के लिए। फ़िलहाल के लिए थर्मल स्कोप ओनली एक्जोटिक में है, आई मीन आर्टिक एक्जोटिक जो आपको बैटल रॉयल में मिलती है उसी में अभी थर्मल स्कोप है, बट सीज़न 11 या गन स्मिथ 2.0 की अपडेट में आपको और काफ़ी न्यू थर्मल स्कोप देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि सबसे बड़ी अपडेट है। सो गाइज आपको पता ही होगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी के जो पब्लिशर हैं उन्होंने 5 अगस्त को एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी की एनिवर्सरी होगी उस सीज़न पे आपको बहुत सारा न्यू कंटेंट देखने के लिए मिलेगा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। तो हो सकता है आपको जोम्बी मोड वापस देखने के लिए मिले क्योंकि जोम्बी मोड सीज़न 2 या 3 में रिलीज़ हुआ था और सीज़न 4 में उसको रिमूव कर दिया गया था बिकॉज़ वो बहुत ही बेकार था, मुझे भी पसंद नहीं था। और जब उन्होंने रिमूव किया था तब उन्होंने कहा था कि ये रीडेवलप करके उसे वापस रिलीज करेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो वापस देखने के लिए मिले। तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है वॉर जोन से। सो गाइज आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले चार्ली इन 10 ने एक ट्वीट किया था जिसमें वो वॉर जोन मोबाइल के लिए जॉब लिस्टिंग कर रहे थे, तो वो ट्वीट कुछ देर बाद डिलीट भी कर दिया गया था। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको वॉर जोन मोबाइल देखने के लिए मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी के बैटल रॉयल मैप को पूरा ही चेंज कर दिया जाए और वॉर जोन के एलिमेंट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में दिए जाएँ। तो कुछ भी हो सकता है गाइज, सीज़न 11 की सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है। तो आपको एक क्लिप और दिखाने वाला हूँ मैं जिसमें आप देखेंगे कि पूरा ग्राफिक चेंज कर दिया गया है कॉल ऑफ ड्यूटी में, तो पहले क्लिप देख लीजिए। गाइज आपने क्लिप देख ही ली होगी, इसमें आपको स्टैंड ऑफ मैप देखने के लिए मिल रहा है जिसमें ग्राफिक्स पूरे ही चेंज कर दिए गए हैं। तो हो सकता है कि आपको सीज़न 11 में हर मैप के ग्राफिक चेंज कर दिए गए हो, काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी ग्राफिक लग रहे हैं मुझे देखने में ये। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कौन सी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा हाइप हैं, कौन सी चीज़ आपको देखना ज़्यादा पसंद करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी सीज़न 11 में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।